हेलो गाइस, टुडे इज सिक्स क्लास ऑफ फैशन डिजाइनिंग। सब्जेक्ट है हमारा टेक्सटाइल साइंस एंड इफेक्ट। टॉपिक है स्प्रे पेंटिंग ऑन फैब्रिक। ओके गाइस, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था वन कलर यूज़ करके ही पेंट किया था, पर इस बार मैं आपको थ्री कलर यूज़ करके कट करना बताऊँगी कैसे हमें ये स्टेंशन शीट को कट करना होता है। ओके गाइस, चलिए मैं बताती हूँ। ये हमारी डिज़ाइन लिए हमने, ओके, और थ्री हमें स्टेंसिल शीट लेनी है। फिर मैं कहूँगी मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो मेरी कट करी हुई रखी हूँ, मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको करनी है। ओके, तो हमें तीनों स्टेंसिल शीट पे हमें एज इट बिल्कुल सेम ऐसे ही डिज़ाइन पूरी ड्रॉ कर लेनी है परमानेंट मार्कर से। ओके गाइस, तो ये जैसे मैंने ये तीनों पे सेम, हमारी इस पे भी सेम है, ये पूरी इस पर भी है, और ये तीनों शीट पे ट्रेस कर ली थी। ओके गाइस, फिर हमें क्या करना है, शीट नंबर वन पे हमें क्या करना है, ये पैरेट को सिर्फ ओनली पैरेट कट करने हैं। ओके, शीट नंबर टू पे हमें इसकी वीक, ये चोच इसकी जो है कट करनी है, बाकी पैरेट को कट नहीं करना है। शीट नंबर थ्री पे हमें क्या करनी है, इसकी ब्रांचेस जो कि ब्राउन कलर की होंगी, इसकी ब्रांचेस ओनली ब्रांचेस करनी है, ना ही लीव्स करनी है, ना पैरेट करना और ना ही इसकी वीक करनी। ओके, तो तीनों शीट पे हमें अलग अलग कट करना होता है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये देखिए शीट नंबर वन, पहली मैंने शीट ली तो इसमें क्या किया है, ओनली देखिए ये पैरेट कट किए हैं, और ये लीव्स जो कि ग्रीन ही ग्रीन हो, ओनली ग्रीन करा है। ओके, फिर उसके बाद हमने इनकी ये पूरी डिज़ाइन बनानी होती है। ओके, और फिर सिर्फ इसकी ये नेक का और वीक, और थर्ड में हमने इसकी ब्रांचेस, जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो ऐसे, ये देखिए पूरे सिर्फ ओनली ये ब्रांचेस कट की हैं। ठीक है, ये तीन शीट हो गई। अब मैं आपको इसे फैब्रिक पे करना बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए है ये फैब्रिक कलर, ठीक है, ये एक्रिलिक का कलर है, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, और ये इसका मीडियम है एटलस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, ये मैंने जो है फैब्रिक पे को रख लिया है। ये फैब्रिक आपको कट करना है 12x8 का फैब्रिक कट करना है, और हमें फाइल में अटैच करना है। ओके गाइस, तो ये असाइनमेंट आपका है आज का। अब हमने इसको ये बिछा लिया है पेपर इसके नीचे, और इसके ऊपर फैब्रिक रख लिया है। अब हम शीट नंबर वन लेंगे जिसमें हमारे पैरेट और लीव्स कट हैं। इसको हमने सेट करके रखना है सेंटर में। बीच में इसमें जो है हमने कलर निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा मीडियम डालेंगे, वाटर कलर में हम वाटर यूज़ करते हैं, इसमें इसका मीडियम, ताकि अगर वॉश करते हैं फैब्रिक तो इसका कलर ना जाए, इस वजह से हमें यूज़ करना होता है। उसको अच्छे से मिक्स कर लो, और इसकी जो डिज़ाइन है पेपर कटर से आपको बहुत अच्छे से काटनी है, कहीं पर भी गलत ना काटो। ऐसे करके आपको ऐसे ही बबल्स जब अच्छे से गिरेंगे तभी आपको इस पर अप्लाई करना है। पेस्ट फैब्रिक से आप अपना हाथ साफ कर लीजिए। तो आराम आराम से जैसे हमने पेपर पे किया था वैसे ही फैब्रिक पे करना है। इस पे आप जो है कुशन कवर बना सकते हैं, किसी टी शर्ट पर, कुर्ती पे, आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं फैब्रिक कलर से, बड़ा ही प्यारा लगेगा बनने के बाद।
चलिए अब इसको, ग्रीन का हो गया हमारा, अब इसको हम हटा के पहले हैंड वॉश कर लेते हैं। चलिए हैंड वॉश कर लिए, आप एकदम से हैंड वॉश कर लीजिए नहीं तो फिर सूखने के बाद जल्दी छूटता नहीं है फैब्रिक कलर। और अपना ब्रश भी एकदम से क्लीन कर लीजिए। अब हटा के देखते हैं इसे। फर्स्ट हो गया हमारा, अब सेकंड रखते हैं। सेकंड इसकी वीक लगाते हैं। ये वैसे ही सेट कर लीजिए। अब बस इसकी ओनली वीक करनी है, इसकी चोंच को करना है कलर, और रेड कलर निकाल लेते हैं। और इसकी जो नेक में जो एक लाइन सी है उसे करना है। तो बाकी सारा हमने छिपा दिया है, बस इसी पे करना है। इसमें मीडियम डालिए, चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड शीट को रखेंगे कल्लू। ये हमारी हो गई, वीक हो गई। अब हमारी आ गई ब्रांचेस की थर्ड, सेकंड हो गया हमारा, अब थर्ड की बारी है। अब हम इसको लगा देते हैं, सेट करना है वैसे ही। ये इसको सेट करना है अच्छे से। ये देखिए ऐसे करके सेट कर लीजिए। अब हमारा पैर हिडन हो गया है, वीक हो गई है। अब हमारी ब्रांचेस और इसके जो पैर होते हैं वो रह गए हैं ब्राउन, और इसे हमें ब्राउन कलर करना है। सब तरफ ऐसे करना है गाइस, अच्छे से बहुत करिए, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अपने कलर में सॉल्यूशन ला लेते हैं। ये असाइनमेंट आपको बहुत ही आराम से करना है, बड़े ही ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा भी ख़राब हो गया तो आपकी फिर पूरी मेहनत दोबारा से आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। ये आपको जो है ये असाइनमेंट लगा देना है, फिर उसके बाद आपको एक फैब्रिक कलर का कोई भी टी शर्ट या फिर आपको कुशन कवर कुछ भी, कोई भी ड्रेस पर किसी पर भी आपको ये ऐसी फैब्रिक कलर करना है, और अपना ये असाइनमेंट भी उसमें फाइल्स में अटैच करना है। पहले आपने किया था वाटर कलर का, किया था आईवी शीट पे, किया था इन आउट किया था, अब आपको ये वाला करना है, ठीक है, इन है ये। और उसके बाद आपको एक किसी भी फैब्रिक पे, मतलब गारमेंट्स पे बनाकर फैब्रिक कलर करना है।
देखिए हमारे जो है ब्रांचेस भी जो है कंप्लीट हो गई हैं। आप चाहें तो और भी डार्क कर सकते हैं, इसे ऐसे ही करते रहिए तो डार्क हो जाएगा, पर मैं इतना ही करती हूँ। ओके, अब इसके फीचर्स जो हैं मैंने जो है इससे पेंसिल से जो है वो कर लिए, हाईलाइट कर लिए, जैसे कि आईज हैं इनकी और ये लीव्स की, इसकी टेल, तो इसे जो है अब हम ब्रश से इसको कलर कर देंगे। जो है ऐसे कर विंडो शीट बनानी है आपको, इस तरीके से आपको ये दो शीट की विंडो शीट बनती है। मैं इसे नेक्स्ट आपको क्लास में बताऊंगी विंडो शीट कैसे बनानी है। ओके गाइस, तो इसको ऐसे ही विंडो शीट में इस असाइनमेंट को ऐसे ही लगाना है जैसे ये लगा है ब्लॉक पेंटिंग के, इस तरीके से इसको ऐसे ही इसके विंडो शीट के अंदर लगा के फिर से अटैच करना है। टुडे क्लास इज ओवर, सी यू नेक्स्ट क्लास। सब्जेक्ट है हमारा इलस्ट्रेशन, टॉपिक है ब्लॉक फिगर। थैंक यू।